कोरोना काल में वैसे तो दुनिया भर के डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जो लगातार मरीजों की देखरेख कर रही है वो है नर्स। इस कोरोना महामारी में नर्स ही है जो हमारी केयर करती है, जो हमारा मनोबल बढ़ा कर रखती है। हर साल 12 मई यानी कि आज के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बीमारों को जिंदगी देने में जितना योगदान डॉक्टर्स का है उससे कम योगदान नर्स का नहीं है। नर्स बीमारों की तन और मन से सेवा करती है। नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीज की जान बचाती है। ये दिन उनके योगदान को समर्पित होता है। साथ ही ये दिन दुनिया में नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी श्रद्धांजलि है और हर भारतीय आज के दिन मदर टेरेसा को भी याद करता है, क्योंकि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनका मानव जाति के लिए योगदान हमेशा सराहनीय है। दरअसल आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इन्होंने मरीजों और रोगियों की सेवा की। क्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल सैनिकों की दिल से सेवा की थी, जिसके कारण ही उन्हें लेडी विद द लैंप कहा गया। अमेरिका के स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग के एक अधिकारी डोरोथी सुंदरलैंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव 1953 में रखा था। इसकी घोषणा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डेविड डी आइजनहावर ने की थी। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसे मनाने की घोषणा की गई। लेकिन सिर्फ आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही नहीं बल्कि हर उस नर्स को याद किया जाता है, नमन किया जाता है जो दिन रात एक नाइटिंगेल बनकर काम करती हैं और लोगों के जीवन में जीने की इच्छा भरती हैं। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में नर्सों का बड़ा योगदान है। नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो मरीजों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और चिकित्सीय तौर पर फिट होने में मदद करें। इस दिन नर्सों के योगदान को रेखांकित किया गया, इससे दुनिया नर्सों के महत्व से अवगत हो पाई। नर्सों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 12 मई को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने की थी। पुरस्कार से नर्सों को सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान की जाती है। अब तक कुल 250 के करीब नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।